हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे और उसका आउटकम क्या निकला था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो रिवॉल्यूशन मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर एक बड़ा सा पॉलिटिकल चेंज ले आते हैं, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रांस के अंदर कौन सा पॉलिटिकल चेंज हुआ था। फ्रांस एक मोनार्चियल कंट्री था, वहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन होता था। उन दिनों वहाँ फ्रांस में लुई 16 का शासन था, यानी लुई 16 वहाँ के राजा थे, जिनके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर लुई 16 के शासन से वहाँ के लोग खुश नहीं थे, उनके पॉलिसीज से वहाँ के लोग खुश नहीं थे, इस वजह से वहाँ के लोग लुई 16 का विरोध कर रहे थे। फ्रांस में एक तनाव का सिचुएशन था। इसी बीच 14 जुलाई 1789 को लुई 16 ने अपने ट्रूप्स को, यानी कि अपने सैनिकों को पेरिस जाने का आदेश दे दिया। तो जैसे ही लोगों ने ये सुना कि लुई 16 अपने ट्रूप्स को भेज रहा है, उनके बीच में ये अफवाह फैल गई कि लुई 16 हमें मारने के लिए अपने ट्रूप्स को भेज रहा है। तो जैसे ही लोगों ने ये अफवाह सुना, वो सारे लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए। लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि 7,000 पीपल, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो ट्रूप्स आ रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे, जो कि उनके पास नहीं था। इसीलिए हथियार की तलाश में उन लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे उन्हें वेपन्स मिल सकते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे कोई वेपन्स नहीं मिला। जब उन्हें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कोई वेपन्स नहीं मिला तो वो लोग सीधे चले गए बेस्टाइल में। अब देखते हैं बेस्टाइल क्या है। बेस्टाइल एक फोर्ट था, मतलब एक किला है, और उस किले के अंदर एक प्रिजन था जहाँ पे कैदियों को डाला जाता था। तो लोगों को लगा कि प्रिजन होने की वजह से वहां पे वेपन्स जरूर मिल सकते हैं, इसलिए लोगों ने बेस्टाइल पर हमला कर दिया और उस हमले में वहां का कमांडर मारा जाता है और लोग जितने भी वहां पे कैदी थे उनको छुड़ा लिए। ज्यादा कैदी नहीं थे, खाली 7 लोग थे जिनको बचा लिया गया। उसके बाद लोगों ने उस बेस्टाइल के प्रिजन को डेमोलिश कर दिया। अब बेस्टाइल के प्रिजन को डेमोलिश करने के पीछे एक कारण था। बेस्टाइल का जो प्रिजन था, ये वहां के राजा के अनलिमिटेड पावर का एक सिंबल था, यानी कि उनके निरंकुश ताकत का एक प्रतीक था। दैट मींस जो भी वहां के राजा का विरोध करता था, राजा उसको पकड़ के इस प्रिजन में डाल देता था और उसको तरह तरह की यातनाएं दिया करता था, यानी कि टॉर्चर किया करता था। इसीलिए वहां के लोग इस प्रिजन से नफरत करते थे, हेट करते थे। इसीलिए लोगों ने उस प्रिजन को डेमोलिश कर दिया और उसके ईंट और पत्थर को बाजारों में इसकी इस घटना के एक याद के रूप में लोगों ने उसको बेच दिया। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में दंगा होने लगा, रायोट्स होने लगा। काफी दिनों तक फ्रांस के अलग अलग जगहों पर हिंसक घटनाएं होना शुरू किया। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये हुआ कि 14 जुलाई 1789 को ये हिंसक घटना हुआ क्यों, लोग किस चीज को लेके नाराज थे, क्यों हिंसा हुआ, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें फ्रांस का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। फ्रांस का बैकग्राउंड देखते हैं। 1774 में, यानी कि इस घटना के 15 साल पहले, 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था। जब वो राजा बने तो वो 20 इयर्स के थे, यानी कि काफी यंग थे। उनका शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से हुआ था। मैरी एंटोनिएट लुई 16 की महारानी होने के साथ साथ उनके एडवाइजर भी थे। अब देखिए, एडवाइजर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है गुड एडवाइजर, जो कि राजा को अच्छा सलाह देता है, और एक होता है बैड एडवाइजर, यानी कि जिनकी सलाह सुनकर राजा जब कुछ करता है तो वो काम गलत हो जाता है या फिर उल्टा हो जाता है। मैरी एंटोनिएट एक बैड एडवाइजर थी, यानी कि जब भी वो कोई एडवाइस देती थी और लुई 16 उस एडवाइस को मान के कुछ करते थे तो वो काम उल्टा हो जाता था, यानी कि फेल हो जाता। जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने तो उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। क्या था वो प्रॉब्लम, वो देखते हैं। जब लुई 16 राजा बने तब उन्होंने देखा कि उनका जो राजकोष था, यानी कि उनका जो ट्रेजरी था, वो पूरा ही खाली हो चुका था, उसमें कोई पैसा नहीं बचा था। अब उनका राजकोष खाली क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ कारण थे। लुई 16 के राजा बनने के पहले फ्रांस कहीं ज़्यादा बैटल्स में इन्वॉल्व था, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। उसका एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था ब्रिटेन के साथ। लगभग 7 साल तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में फ्रांस हार जाता है और उसको काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये तो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि फ्रांस का जो रॉयल फैमिली था, यानी कि जो राजा और उसके जो परिवार थे, वो लोग काफ़ी खर्चीले लोग थे, यानी कि फिजूल के खर्च करते थे। वो लोग बहुत सारा दिखावा करने पे वो लोग विश्वास रखते थे। शान और शौकत की ज़िंदगी जीते थे,
अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते थे। फिर जो पैलेस ऑफ वर्सायल्स था, यानी कि वो जो महल जहाँ वो लोग रहते थे, उसको मेंटेन करने के लिए भी इनको बहुत सारा पैसा लगता था, उसकी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए। फिर जो पैलेस ऑफ वर्सायल्स में एक कोर्ट था, यानी कि दरबार जहाँ पे राजा बैठते थे, उसकी सजावट के लिए, उसकी शान और शौकत के लिए, इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे लगते थे। इसका मतलब ये था कि फ्रांस का जो आधा इनकम था वो फ्रांस का जो राज परिवार था उसके खर्च में ही निकल जाता था, यानी कि उनको मेंटेन करने में निकल जाता था। इस वजह से लुई 16 जब राजा बना तो उसने देखा कि उसका राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब राज्य चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए लुई 16 ने कर्ज लेना शुरू कर दिया, यानी कि फ्रांस के ऊपर अब 2 मिलियन लिवरे का कर्ज चढ़ गया था। लिवरे क्या है वो मैं समझा देता हूँ। उन दिनों फ्रांस की करेंसी को लिवरे बोलते थे, यानी कि जब लुई 16 राजा बन गया तो फ्रांस के ऊपर 2 मिलियन लिवरे का कर्ज चढ़ गया था। और इसी बीच लुई 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट कराने में अमेरिका की मदद किया। अब देखिए, इस मदद करने के बदले फ्रांस को कोई कुछ मिला नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसलिए मदद किया क्योंकि ब्रिटेन जो था वो अमेरिका के साथ साथ फ्रांस का भी दुश्मन था, यानी कि फ्रांस के साथ ब्रिटेन का पहले भी यानी कि ब्रिटेन के साथ फ्रांस का पहले भी लड़ाई हो चुका था, और इसी लड़ाई का बदला लेने के लिए लुई 16 ने अमेरिका का मदद किया था। लेकिन इसके बदले में फ्रांस को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़ गया। पहले 2 मिलियन लिवरे का कर्ज था, अब उसके ऊपर अमेरिका को मदद करने के कारण उसके ऊपर 10 मिलियन लिवरे का कर्ज चढ़ गया। ये एक घटना दिखाता है कि लुई 16 एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा शासक नहीं था, क्योंकि इतने कर्ज में होने के बावजूद बस बदला लेने की भावना की वजह से उसने अमेरिका की मदद करता है और उसके देश का जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो जाता है। लुई 16 भी अपने पूर्वजों की तरह ही था, यानी कि वो भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा किया करता था। अभी का सिचुएशन ये था कि फ्रांस फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका था, इसके बावजूद जो रॉयल फैमिली थे उनका जो फिजूल के खर्च थे उसमें कोई कमी नहीं हो रही थी। उनके शान और शौकत वाली जिंदगी में वो लोग कोई भी बदलाव नहीं लाए थे, यानी कि अभी भी पहले के जैसे दिखावा चल रहा था। यानी कि इन सारे चीज़ों को अगर मेंटेन करना है तो लुई 16 को पैसे की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए लुई 16 ने और ज़्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब जो कर्जदाता थे, यानी कि जो लोग कर्ज देते थे, पैसे देते थे, उन लोगों ने डबल इंटरेस्ट लगा दिया, यानी कि जो पहले इंटरेस्ट लेते थे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू कर दिया। सिचुएशन ये बन गया फ्रांस में कि जो फ्रांस का जो नेशनल इनकम था उसमें का आधा इनकम पूरा लोन चुकाने में चला जाता था, यानी कि जो कर्ज उन्होंने लिया है उसको चुकाने में चला जाता था, तो बाकी देश चलाने के लिए उनके हाथ में कुछ बचता नहीं था। इस वजह से लुई 16 ने अपने देश का जो टैक्स है उसको बढ़ा दिए। अब सामानों की महंगाई बढ़ चुकी थी और टैक्स भी बढ़ चुका था। लेकिन ये चीज रिवॉल्यूशन कैसे बन गई या फिर रिवॉल्यूशन का कारण कैसे बनी, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें फ्रांस के सोसाइटी को समझना पड़ेगा, यानी कि जो फ्रांस का समाज था वो उस समय कैसे था ये देखना पड़ेगा। फ्रांस का जो सोसाइटी है उस समय 3 एस्टेट्स में डिवाइड था, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एस्टेट था क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट था कॉमन पीपल, जो यानी कि वहाँ के साधारण प्रजा थे। तीनों एस्टेट को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग थे जो चर्च से जुड़े हुए थे। फ्रांस एक क्रिश्चियन कंट्री था, इसलिए जो भी लोग चर्च से जुड़े थे, यानी कि प्रीस्ट हो गए या फिर जो चर्च को ऑन करते हैं या फिर चर्च का जो काम करते थे, वो सारे लोग क्लर्जी ग्रुप में आते थे। सेकंड ग्रुप था नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो सामंत वगैरह थे, यानी कि जो मंत्री थे, सेनापति थे, और इसमें राजा भी था, ठीक है, ये सारे ग्रुप थे नोबिलिटी। और थर्ड ग्रुप था कॉमन पीपल, जो वहाँ के जो साधारण लोग थे, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, पेजेंट्स हो गए, पेजेंट्स मतलब किसान, ठीक है, ये सारे लोग थे थर्ड ग्रुप में, यानी कि थर्ड एस्टेट में, और इसमें भी 90% जो थे वो पेजेंट्स थे, किसान। तो इस प्रकार फ्रांस का सोसाइटी डिवाइडेड था। अब देखते हैं पॉपुलेशन का। फ्रांस का जो 90% पॉपुलेशन था वो आता था थर्ड एस्टेट के अंडर में, और जो 10% पॉपुलेशन था वो आता था फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट में, ठीक है, ये था पॉपुलेशन डिविजन। अब देखते हैं वहां का जो लैंड था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पास फ्रांस का 60% लैंड था और थर्ड एस्टेट के पास 40%, यानी कि जो 10% लोग थे वो 60% लैंड ऑन करते थे और 90% लोगों के पास था खाली 40% लैंड। दैट मीन्स जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उसमें से ज्यादातर लोगों के पास लैंड नहीं था, जमीन नहीं था, यानी कि जो किसान थे ज्यादातर उनके पास जमीन नहीं हुआ करते थे। इस वजह से वो लोग जो नोबिलिटी और क्लर्जी है
उनकी वहां पर लेबर का काम करते थे, मजदूरी करते थे। ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप था, यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, इनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिले थे, यानी कि विशेष अधिकार भी मिले हुए थे। उन दिनों फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है सामंती प्रथा। हमारे देश में भी जब राजा महाराजाओं का शासन होता था तब सामंती प्रथा को माना जाता था, यानी कि जो सामंत होते थे, जो मंत्री और सेनापति होते थे, जब वो राजा को युद्ध में या फिर लड़ाई में मदद करते थे तो उस मदद के बदले राजा उनको जमीन देता था, और वो जो सामंत है वो उस जमीन में जाकर उस जमीन को रूल करता था, यानी कि वहां पे जो भी टैक्स लगाता था, वो सारे चीज, जो भी कानून, जो भी नियम लगाने, वो सारे चीज वो सामंत किया करता था। इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं या फिर फ्यूडल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि उस समय फ्रांस में था। तो ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये उनका एक प्रिविलेज था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो टैक्स देता कौन था? वो था थर्ड एस्टेट, ठीक है, यानी कि जिसके पास इतना ज्यादा जमीन है वो लोग टैक्स नहीं देते थे, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं था, जो लोग लेबर के रूप में काम करते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। अब जो थर्ड एस्टेट था वो तीन प्रकार के टैक्स दिया करते थे। एक था टाइल्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स था, जो कि सीधे गवर्नमेंट को, यानी कि जो राजा था उसको दिया जाता था। दूसरा टैक्स था टाइथ, जो कि देना पड़ता था फर्स्ट ग्रुप को, यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट है वो टैक्स देता नहीं था लेकिन टैक्स लेता था। तो टाइथ मतलब होता है जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें का जो 10% होता था वो चर्च को देना पड़ता था, उसी को टाइथ बोलते हैं। तो ये हो गया दूसरे प्रकार का टैक्स। एक और टैक्स था जो थर्ड एस्टेट देता था, वो टैक्स दिया जाता था नोबिलिटी को, यानी कि जो सेकेंड एस्टेट है उनको। उस टैक्स का नाम था फ्यूडल टैक्स। मैंने आपको पहले फ्यूडल सिस्टम समझाया, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। तो फ्यूडल सिस्टम में जो जमीन मिला हुआ है उस जमीन पे जो मंत्री या फिर जो नोबेल है वो वहां पर रूल करता था, और वो नोबेल जो था वहां पर टैक्स लगा देता था। इसी टैक्स को फ्यूडल टैक्स बोलते थे। यानी कि जो थर्ड एस्टेट था उनको तीन प्रकार के टैक्स देना पड़ता था, एक टाइल्स, दूसरा टाइट और तीसरा था फ्यूडल टैक्स। दैट मीन जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट थे वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। तो टैक्स देने का पूरा जो बोझ था, जो बर्डन था, वो थर्ड एस्टेट के ऊपर आ गया था। जब राजा ने देश में टैक्स बढ़ा दिया तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वो टैक्स देते ही नहीं थे। तो प्रॉब्लम हो गया थर्ड एस्टेट को, क्योंकि उनके पास पहले से इनकम नहीं थे, महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी और राजा ने उसके ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए थे। अब देखिए, देश का जो आर्थिक स्थिति था वो पूरी तरह से टूट चुका था, फाइनेंशियली फ्रांस वीक हो चुका था, फिर भी राजा को इसकी कोई परवाह नहीं हो रही थी। वो अभी भी पहले जैसा ही फिजूल का खर्च करता था, शान और शौकत वाला जीवन जीता था, यानी कि जो उसकी प्रजा थी वो भूखे मर रही थी और जो राजा था वो शान और शौकत का जीवन जी रहा था। इस वजह से लोगों के अंदर लुई 16 यानी कि अपने राजा के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी, और यही नफरत की भावना आगे जाकर रिवोल्यूशन का एक मेन कारण बन जाता है।